नमस्कार दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में एक बार फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमें देते रहिए। और दोस्तों मैं आपके लिए लेके आता रहा हूँ बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बिजनेस जिन्हें मात्र बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हो, या ऐसे बिजनेस भी आपको बताता हूँ जिनमें आपका एक भी रुपया नहीं लगता। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे जो भी बेरोजगार भाई है, जो गरीब भाई है, वो बिना पैसे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, ताकि वो जो नौकरी में जूझ रहे हैं, जिन नौकरी से वो परेशान हैं, अगर वो कुछ सपने पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ छोटा ही सही बिजनेस करना पड़ेगा। दोस्तों नौकरी आपकी खाली जरूर से पूरी कर सकती है, आपने अगर सपनों को पूरा करना है तो आपको छोटा ही सही अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप भी अब मन बना चुके हैं कि आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपकी दोस्तों ज़िंदगी बदल सकती है। और दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, एक छोटा सा बिजनेस बताने वाला है। आप इसको तो चाहे तो पार्ट टाइम से स्टार्टिंग कर सकते हो और चाहो तो इसको बाद में फुल टाइम भी कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा क्योंकि वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कम से कम कितनी कमाई होगी, और आप इन प्रोडक्ट को अगर खरीदना चाहते हो, इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मात्र बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही मामूली से इन्वेस्टमेंट को बिजनेस में स्टार्ट कर सकते हो। और कमाई की दोस्तों बात करूं तो कम से कम डेली के ₹1,000, कम से कम डेली के ₹1,000 दोस्तों आप इस बिजनेस में बड़ी ही आसानी से कमा सकते हो। और दोस्तों एक प्रूफ के साथ दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला जो भाई यहाँ पे कर रहे हैं, आप अपने एरिया में देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको पूरा प्रूफ के तौर पर एक बताने वाला हूँ कि भाई जो बिजनेस को कर रहा है वो डेली के खाली शाम के टाइम 3 से 4 घंटे काम करते हैं और 3 से 4 घंटों के अंदर डेली के 3 से 4 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। दोस्तों मैं सूरत में रहता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे जो खाने पीने के जो बिजनेस है वो बहुत ही तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा खाने पीने के जो सूरत के जो लोग हैं, गुजराती लोग खाने पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाहर के भी यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जो खाने पीने का जो बिजनेस है बहुत ही धूम से हर जगह चलता है दोस्तों। और दोस्तों आप किसी अगर शहर में रहते हो या अपने गांव में रहते हो, और गांव में रहते रहते अगर आपके नज़दीक कहीं छोटा मोटा शहर है, अब दोस्तों इस बिज़नेस को बड़ी आसानी से दोस्तों कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले इस बिज़नेस को स्टार्टिंग करने से पहले, इस बिज़नेस आइडिया को आपको बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, एक प्यारा सा दोस्तों कमेंट कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फटाफट दोस्तों आपको बता देता हूँ आज का जो प्यारा सा बिज़नेस क्या है। दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, ये खाने पीने से रिलेटेड है और इसको मात्र आप पार्ट टाइम से स्टार्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको मात्र इसको स्टार्ट करना है तो आप इसको शाम को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जब लोग खाना पीना खा लेते हैं यानी 7 बजे 8 बजे के बाद, आपको 7 बजे ही स्टार्ट करना है। तो हो सकता है कोई लोग 7 बजे खाना खा लेते हैं, कोई 10 बजे भी खाते हैं, तो शहर में अलग अलग सभी का हिसाब किताब होता है। कोई अगर जॉब वाला है तो जल्दी आ जाता है, वो काम करने वाला तो लेट आता है। कहने का मतलब आपको अपना ये जो काम है 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 11 बजे तक, 10 से 11 बजे तक, दोस्तों शहरों में 11-12 बजे तक बिजनेस चलते रहते हैं, तब 7 से 11 खाली 4 घंटे दोस्तों इस बिजनेस को करना है। दोस्तों इस बिजनेस की बात करें तो ये बिजनेस है दोस्तों सोडा, दोस्तों इसको नींबू सोडा भी बोल सकते हैं, सोडे का जो बिजनेस है दोस्तों। और इसमें कुछ भी दोस्तों खर्चा नहीं, छोटी सी एक मात्र गैस वाली मशीन आती है जो आप वीडियो में आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। आप इस वीडियो को बड़ा शांति से देखिए, देखिए यहाँ पे कितने सारी भीड़ है और यहाँ पे दोस्तों लाइन लगी रहती है मात्र 7 बजे, जैसे भाई सब आते हैं तब से भीड़ स्टार्ट होती है और जब तक ये नहीं जाते हैं यानी 11 बजे तक, उनकी भीड़ कभी भी कम नहीं होती है। और डेली का ये 5-6 हज़ार रुपये डेली का कमा रहे हैं। दोस्तों आपको पूरा प्रूफ बताने वाला हूँ कि डेली के कैसे कितना पैसा कमा रहे हैं। आप सोच रहेंगे कि भाई साहब कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए, तो आप ये कहेंगे कि वाकई में 4-5 हज़ार रुपये बड़ी आसानी से दोस्तों ये कमा रहे हैं। दोस्तों इनके पास हमेशा भीड़ उमड़ी रहती है, जैसे ही मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 8 से 10 लोग खड़े हुए हैं। इनका जो गिलास का जो प्राइस है नींबू सोडे का आपको पता है खर्चा उसमें मात्र 2-3 रुपये ही खर्चा होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अगर मान लेते 5 रुपये भी खर्चा मान लेते तो भाई साहब 20 रुपये का गिलास सेल कर रहे हैं, और डेली के दोस्तों लगभग कम से कम 500 गिलास आराम से बड़ी आसानी से सेल करते हैं। और दोस्तों 5 घंटे के अंदर 4 से 5 घंटे में 500 गिलास कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। हमेशा इनके पास में जब भी मैं देखता हूँ भीड़ खड़ी रहती है। मैं दोस्तों ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास भी इतने लोग आएंगे,
मैं खाली एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, एक प्रूफ आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं तो जब आप स्टार्ट करने में आपके पास इतने नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में दोस्तों अगर आप कम से कम 50 लोग तो आएंगे, जैसे जैसे आप इस बिजनेस में आएंगे आपको समझ पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें एक ऐसा बिजनेस है इसमें कोई खर्चा तो है ही नहीं, आपको खाली एक बार सेटअप का पैसा लगने वाला है जिसमें मात्र 8-10 हज़ार रुपये आपके पास है, ये छोटी सी मशीन लेके सोरे की आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। नींबू आपको हम लोग को मार्केट में दोस्तों मिल जाएंगे, मसाले दोस्तों आपको रेडीमेड मार्केट में मिलेंगे, और एक ये आइस बॉक्स है वो ले लेना है जिसमें आप देख पा रहे हो कि आप आइस यूज कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा सेटअप है जो अपने लोकल देहात में मिल जाएगा, और ये जो सोडा मशीन है दोस्तों ये आप इंडिया मार्ट से ले सकते हो या अपने लोकल मार्केट है, अगर आपको वहाँ पे जान पहचान है, अगर जानते हो कहाँ मिलेगा तो वहाँ से ले सकते हो या किसी से पूछ के भी ले सकते हो। और सबसे अच्छा है वो कोई भी आपको नॉलेज नहीं है तो आप इंडिया मार्ट पे सोडा मशीन आप सर्च करेंगे, बहुत सारी सोडा मशीन दोस्तों आपको मिल जाएगी, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं और उसके बाद अपने एरिए में। सबसे अच्छा दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि आपको स्टार कहाँ पे करो, दोस्तों ये गाँव में तो बहुत कम रिस्पॉन्स आएगा, ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप किसी शहर में, बड़े शहर के पास अगर आपका गांव है या आप शहर में ही रहते हैं दोस्तों, ये सबसे अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। आप अपने जो भी जो बिजनेस जो भी कुछ कर रहे हैं आज के दिन, उसके अलावा इसको शाम के टाइम पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो। आप देखिए शाम को अपने जॉब से काम से आने के बाद इसको आप सीधा लेके आ जाना है, और एक अच्छी जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, जहाँ पे लोग शाम को जब खाना पीना खाने के बाद घूमते हैं सैर सपाटे के लिए, वहाँ पे अगर आपको कोई अच्छी भीड़ भाड़ी वाली आपकी जगह आपके ध्यान में है दोस्तों, वहाँ का इस सेटअप को लगाइए दोस्तों। देखेंगे कि जो खाने पीने के बाद दोस्तों ज़्यादातर लोग सोडा पीते हैं दोस्तों, अगर आप इस सोडे का दोस्तों बिजनेस करेंगे तो इतना नहीं, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास मात्र 50 ग्राहक भी आएंगे ना दोस्तों, भाई साहब यहाँ पे 20 रुपये में बेच रहे हैं, आप 15 रुपये रखेंगे तो भी चलेगा, आपको खर्चा इसमें मात्र 1-2 रुपये आने वाला है, क्योंकि नींबू का रेट आपको आज के दिन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आज के दिन होलसेल 50 रुपये किलो है, तो किलो में लगभग 50-60 नींबू आ जाते हैं, 1 रुपये नींबू का दोस्तों खर्चा आज के दिन में पड़ रहा है, और नींबू तो मार्केट में सस्ता महंगा होता रहता है, 1 रुपये का नींबू, 1 रुपये का मसाला, और इसका जो मशीन का आपको कोई खर्चा आने वाला नहीं है, नाम मात्र है। फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अगर 5 रुपये की क्वेश्चन बैठा देते हैं सारी चीज़ों की जोड़ के, तो भी दोस्तों अगर आप 15 रुपये बेच रहे हैं तो भी आपका सोचिए 10 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, और स्टार्टिंग में आपको पहले दिन से ही आपको 40-50 कस्टमर को 100% मिलने वाले हैं, और आप पहले दिन से ही यानी आपको 500-700 रुपये पर डे आपको मिलने वाला है दोस्तों। आप सोचिए आप किसी काम को मात्र 5-10 हज़ार में स्टार्ट कर रहे हैं और 4-5 घंटे उस काम को दे रहे हैं, जहाँ आप एक साइड जॉब कर रहे हैं 12 घंटे वहाँ पे आपको 15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, और यहाँ पे आप खाली 3-4 घंटे में खुद के शेड भर के 15 हज़ार कमा रहे हैं, कम से कम कैलकुलेशन दोस्तों बता रहा हूँ, और ये भाई साहब तो यहाँ पे डेली के 4-5 हज़ार रुपये पर आसानी से दोस्तों कमा रहे हैं, और इतना कमाई तो दोस्तों किसी दुकान वाला भी नहीं करता। तो इस टाइप का सेटअप आप करेंगे दोस्तों धीरे धीरे उसमें भीड़ आएगी, धीरे धीरे आपको एरिया की नॉलेज होगी, जहाँ पे आपको लगता है ज़्यादा 1-2-3-4 आप स्टोर लगा सकते हो, लड़कों को हायर कर सकते हो, लड़कों को जॉब पे रख के इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही आसान काम है, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट है नहीं, ज़्यादा रिस्क तो कुछ है ही नहीं, पानी बेचना दोस्तों, पानी बेचने वाला धंधा कितना अच्छा है, आप थोड़े गैस का सेटअप करके उसमें करें, और सीखने की बात करें इसमें कुछ सीखने वाला कुछ इसमें है ही नहीं दोस्तों, आप बड़ी से आसानी से दो वीडियो देखेंगे या आप खुद वहाँ पे रूबरू के सोडे वाले के पास जाएंगे तो मिल जाएगा। और दोस्तों सोडे बनाने के ऑटोमेटिक मशीनें भी मार्केट में बहुत सारा आई है, लेकिन ऐसी जो भाई साहब यहाँ पे बेच रहे हैं इस तरह की सिंपल सी एक मशीन ले लेनी है और अच्छा खासा दोस्तों पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों मैंने सारी बातें बता दी है कि आपको सेटअप कहाँ पर करना है, मशीन कहाँ से लानी है और कितना मार्जिन है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरा बताने का प्रयास किया, फिर भी अगर छूट गए कुछ भूल हो गई आप मुझे कमेंट के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हैं, और बहुत ही प्यारा सा बिजनेस है दोस्तों, इसको स्टार्ट कीजिए। बहुत इस बिजनेस को जो जो मैंने देखा है बहुत सारे लोग दिन भर भी करते हैं, आप चाहो तो इसको फुल टाइम भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है आप सोचते हो मेरी जॉब को छोड़ के मैं इसको फुल टाइम करना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप दिन भर भी, गर्मियों का सीजन में भी चलता है, सर्दियों में भी चलता है, ये 12 महीने चलने वाली चीज़ है दोस्तों, क्योंकि सोडा एक ऐसी चीज़ है जो 12 महीने पसंद करते हैं, और दोस्तों बहुत ही अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है और कमाई इसमें कमाई ही कमाई है दोस्तों, ज़बरदस्त कमाई है, इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो सोचिए आप 2-4 रुपये आपका खर्चा आ रहा है, जहाँ 15-20 रुपये ग्राहक से ले रहे हैं तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो आप जैसे जैसे आपकी सेलिंग बढ़ेगी आपकी इनकम दोस्तों बढ़ती जाएगी, आप 1 स्टॉल 2 स्टॉल 3 स्टॉल आप अपने
स्टॉल को बढ़ाई, जितनी ज़्यादा स्टॉल बढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, उतनी आपकी दोस्तों कमाई बढ़ती रहेगी। तो बहुत ही प्यारा सा बिजनेस दोस्तों मैंने आपको बताने का प्रयास किया। दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।